हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज म्यूजिक क्लास। हाय, आई एम भाग्यश्री चव्हाण, योर म्यूजिक टीचर। सो सबसे पहले हम जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी फॉर प्रेयर, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स, गेट रेडी फॉर प्रेयर। वक्रतुंड महाकाय एंड गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। ये जो स्वर चल रहा है इसको स्वर मंडल कहते हैं। इसमें आपकी आवाज़ मैच करनी है और जो हम स्तोत्र बोलने वाले हैं या श्लोक बोलने वाले हैं वो इसमें बोलना है, गाना है। तो मेरे साथ जॉइन हैंड्स, आर यू रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। वक्रतुंड महाकाय कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। स्लोली ओपन योर आईज, डू फार्मिंग। इस तरह से जब भी क्लास शुरू करते हैं तो प्रेयर से शुरू करेंगे, तो जो भी हम एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है उससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो प्रेयर से ही स्टार्ट करना होता है। लास्ट पीरियड में मैंने आपको ताल एकताल के बारे में जानकारी दी थी। ताल एकताल स्टार्ट था, तो ताल एकताल के फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड और फोर्थ स्पीड के बारे में हमने सीखा है। इस पीरियड में मैं ताल एकताल ही बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें ताल एकताल के जो बोल होते हैं, जैसे कि धिन धिन, ये जो बोल होते हैं वो तबले पे किस तरह से सुनाई देते हैं, इसको आज हम सुनने वाले हैं। इसलिए आज सिर्फ हम सुनना है, जो भी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना है। अगर कोई भी जब हम गीत गाते हैं तो सबसे पहले उसको सुनना होता है। जितना हम सीखेंगे उससे ज़्यादा हमें क्या करना होता है, सुनना होता है, देखना होता है, सुनना होता है, तभी हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बाद में हम उसको प्रॉपरली परफेक्टली करते हैं। यही इसका एक लॉजिक है कि जब भी कोई भी आप अगर सीख रहे हो या कोई गीत आपको गाना है तो उससे पहले उस गीत को 100 टाइम आपको सुनना होता है, तभी उसमें जो बारकाइयाँ होती है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपको धीरे धीरे आपके समझ में आता है। एक बार आप उसको समझ लिए, एक बार उसको अंडरस्टैंड किए करने के बाद वो जो गीत है या जो बात होती है वो आप प्रॉपरली कर सकते हो। इसलिए जब भी आप संगीत सीखते हो तो संगीत सीखने से पहले उसको प्रॉपरली सुनना ज़रूरी है। इसलिए आज हम जो ताल मैंने आपको सिखाए हैं वो ताल एक्चुअली तबले पे किस तरह से सुनाई देते हैं ये मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले ताल त्रिताल, इससे पहले हम ताल त्रिताल के बारे में भी जानकारी ली थी। तो ताल त्रिताल किस तरह से तबले पे सुनाई देता है ये हम इस पीरियड में देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ताल एकताल के बारे में। ताल एकताल और ताल त्रिताल, ये दो ताल मैंने आपको सिखाए हैं। पहले हम ताल त्रिताल के बारे में देखेंगे कि ताल त्रिताल
किस तरह से सुनाई देता है, कहाँ पर? तबले पर। देखो, ताल त्रिताल के बोल क्या है? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब ये तबले पर किस तरह से बजाया जाता है? सबसे पहले मैं टेम्पो जो है उसका स्लो करती हूँ 50। टेम्पो जो उसका है वो 50 करती हूँ। बज रहे उसको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से बोल बज रहे। फिर से सुनो, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या चल रहा है। धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन हाँ। ये हो गया ताल त्रिताल जो हम आप बोर्ड पर देख रहे हो, लेकिन जब तबले पे बज रहा है तो वो दो तीन बीट जो है, बोल जो है वो अलग से सुनाई दे रहे। फिर से सुनो, आप तबले के साथ बोलेंगे। हाँ, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता, ती ती, धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता, तिन धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता, तिट धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता, तीट धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता, तीट धिन धिन धा। इस तरह से ये जो बोल होते हैं ये तबले पे सुनाई देते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है हर एक बोल में, लेकिन बोल तो वही होते हैं। लिखने के लिए बोल इस तरह से होते हैं, लेकिन जब हम रियलिटी तबले पे देखते हैं या सुनते हैं तो थोड़ा सा उसमें अलग सा सुनाई दिया जाता है, और तबले पर ही हमें उसको गाना होता है। इसलिए पहले हम ताल सुनेंगे प्रॉपरली, और फिर उसमें मैंने जो जो सिखाए हैं, अलंकार सिखाया है, राग भूप में जो भी सरगम गीत है या बंदिश है वो भी हमने त्रिताल में सीखा है। तो आज हम क्या करेंगे, अभी त्रिताल को हमने सुना है, फिर उसके साथ पहले हम प्रैक्टिस करेंगे वो जो बोल होते हैं उसके साथ, और बाद में जो अलंकार मैंने आपको सिखाए हैं तो वो भी हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी राग भूप का बंदिश और सरगम गीत है वो भी ताल त्रिताल में ही सिखाया है मैंने, उसको भी हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। फिर से एक बार ताल त्रिताल के बोल मेरे साथ गाना है।
इसका टेम्पो मैंने रखा है 50। आप मेरे साथ गाओ, धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, ता तीन तीन ता, तीट धीन धीन धा। फिर से धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, धा तीन तीन ता, ता धीन धीन धा। फिर से धीन धीन धा। ता धीन धीन धा। अब हमने ताल त्रिताल को हाथ पर भी उसके जो बोल है उसको हमने प्रैक्टिस की है। अब हमें क्या करना है, जो भी मैंने अलंकार ताल त्रिताल में सिखाए थे उस अलंकारों को अब आपको इस तबले पर आपको गाना है। स्क्रीन पर देखो मेरे साथ, फर्स्ट आरोह अवरोह सारे गमा पधा निसा और दूसरे सेकंड अवरोह और फर्स्ट अलंकार सा सा रे रे। अभी हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। रेडी, कहाँ से स्टार्ट होता है, सम से, मतलब फर्स्ट लाइन से। पहले आपको ताल सुनना है, फिर बाद में सेकंड जो आवर्तन आता है, सेकंड टाइम जो फर्स्ट आता है उसको आवर्तन कहते हैं। एक आवर्तन ऐसे ही जाने देना है, पहले सुनना है और बाद में सेकंड आवर्तन में आपको उसको गाना है। धिन धा धा, तिन तिन ता, तीट धिन धिन, सारे
इस तरह से अलंकारों को तबले पर एक्चुअली इस तरह से गाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ताल एक ताल। ताल एक ताल लास्ट पीरियड में मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, इसके बारे में आपको सिखाया था। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लय में भी हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। देखो ताल एक ताल, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धी ना, इस तरह से इसके बोल है। अब ये बोल जो है ये एक्चुअली तबले पे किस तरह से बजाए जाते हैं इसको सुनेंगे। इसके मात्राज है, कितने मात्रा है इसके, पहले इसके इंफॉर्मेशन फिर से एक बार देखो। ताल एक ताल सम के कौन से मात्रा पे है, फर्स्ट, और इस पे क्लैप कितने आते हैं, वन पे आता है क्लैप, फाइव पे आता है, नाइन पे आता है और इलेवन मात्रा पे क्लैप आता है। और खाली कितने हैं इसमें, दो खाली है, तीन और सात पर, थ्री एंड सेवन मात्रास पे क्या है, खाली है। और इससे रिलेटेड मुझे सेम इसके जितने मात्रास है, 12 मात्रास का ये ताल है, तो 12 मात्रास के कौन से और ताल है इससे सिमिलर। चौताल है, दादरा है और गरबा है। और ये जो एक ताल है ये किस पे बजाया जाता है, तबले पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये तबले पे किस तरह से सुनाई दिया देते दिया जाता है ये सुनेंगे। इसका टेम्पो मैंने 50 ही रखा है। इसके बोल को समझना है, कौन सा बोल चल रहा है। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना ना, कत्ता धागे तिरकिट धी ना ना, धिन धिन धागे तिरकिट ती ना ना, कत्ता धागे तिरकिट धिन ना ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना ना, कत्ता धागे तिरकिट धी ना ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना ना, कत्ता धागे तिरकिट धी ना ना। फिर से एक बार सुनो, इसके साथ गाने की कोशिश करनी है। तू ना ना, कत्ता धागे तिरकिट धी ना ना, धिन धिन धागे, कत्ता धागे तिरकिट धी ना ना, धिन फिर से एक बार।
इस तरह से ताल एक ताल तबले पर सुनाई दिया जाता है। इसमें सिर्फ फर्क इतना ही है, धीन धीन धागे तिरकिट तू ना ना, इस तरह से सुनाई दिया जाता है। अब ये जो ताल एक ताल है, इसका हमने इसमें अलंकार हम देखेंगे। उससे पहले लास्ट पीरियड में मैंने इसमें आपको एक पट दुपट मतलब फर्स्ट स्पीड सेकंड स्पीड सिखाया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड स्पीड किस तरह से सुनाई दिया जाता है। ये जो फर्स्ट स्पीड है ये इस तरह से है, अभी जो हम गा रहे थे धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना ना धिन, इस तरह से ये फर्स्ट स्पीड है। अब इसको हम सेकंड स्पीड में कैसे गा सकते हैं। सेकंड स्पीड में गाना है मतलब फर्स्ट मात्रा और वन बीट टू मात्रा, एक मात्रा में दो मात्रा गाने हैं। जैसे कि धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धीना। अब मैंने यहाँ पे 50 टेम्पो लिया था, अब मैं क्या करूँगी, टेम्पो 100 करूँगी, क्योंकि हम जो गा रहे हैं सेकंड स्पीड मतलब उसका डबल मतलब 50 का कितना हुआ 100। तो 100 में ये जो ताल है किस तरह से सुनाई देता है, देखो। तिरकिट तू नाना कत्ता धागे तिरकिट धी नाना धिन धिन धागे तिरकिट तू नाना कत्ता धागे तिरकिट धी नाना धिन धिन धागे तिरकिट तू नाना कत्ता धागे तिरकिट धी नाना धिन धिन धागे तिरकिट तू नाना कत्ता धागे तिरकिट धी नाना धिन धिन धागे तिरकिट तू नाना कत्ता धागे तिरकिट धी नाना। ये हो गया इसका सेकंड स्पीड, मतलब सेकंड स्पीड में इस तरह से सुनाई देता है। फर्स्ट स्पीड सेकंड स्पीड, फिर से एक बार आप पहले फर्स्ट स्पीड में गाओ फिर सेकंड स्पीड में गाओ। इसका स्पीड में 50 करती हूँ। धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना ना धिन। अब ये हो गया फर्स्ट स्पीड, अब इसका स्पीड मैं 100 करती हूँ, 100 मतलब उसका डबल, तो सेकंड स्पीड हो जाता है धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी नाना धिन धिन धागे तिरकिट तू नाना कत्ता धागे तिरकिट धी नाना धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी नाना। अब आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा कि जो स्पीड है उसको लय बोलते हैं। जो लय है ये लय किस तरह से बदल जाता है, जब हम फर्स्ट स्पीड गाते हैं फर्स्ट लय, तो उसके बाद सेकंड लय, उससे क्या हो जाता है डबल हो जाता है। अगर हम 50 टेम्पो से गा रहे हैं 50, जैसे कि धिन धिन धागे तिर किट तू ना, इस तरह से अगर गा रहे तो उसका सेकंड स्पीड किस तरह से होगा, उसका डबल होगा, मतलब धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, इस तरह से। इसमें से क्या सीखना है कि जो लय है वो किस तरह से बदलता है, लय पर फोकस करना है। इस पीरियड में बस इतना ही, नेक्स्ट पीरियड में इसी ताल को हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि
पहले हमने ताल त्रिताल को सुना है, अब उसमें हम किस तरह से जो हमने बंदिश सीखे हैं किस तरह से गाएंगे। इससे पहले मैंने हाथ पर ताली देके आपको सिखाया था, लेकिन जब हम सुन के गाते हैं तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, उसको प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट पीरियड में हम तालों को इसी तरह से सुनेंगे और उसमें जो मैंने बंदिशें सिखाई है वो गाएंगे। तो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।